4 अक्टूबर 2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब कुछ अन्य लैबों से और एंटीजन की रिपोर्ट अभी तक जो प्राप्त हुई है, इसके हिसाब से 25 लोगों की रिपोर्ट जो है आज पॉजिटिव पाई गई है, 25 लोगों की रिपोर्ट, और 16 लोग जिनका इलाज चल रहा था ये स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति दमोह के जिनका इलाज चल रहा था, दूसरे व्यक्ति पन्ना के और एक और व्यक्ति सागर के, ये तीन लोगों के व्यक्तियों की मृत्यु की खबर है। तो जो पॉजिटिव आए हैं उनके डिटेल इस प्रकार हैं। 57 वर्षीय पुरुष पहले जो है सुभाष नगर से, दूसरे 24 वर्षीय महिला पोद्दार कॉलोनी, इसके अलावा 25 वर्षीय पुरुष मकरोनिया से, 60 वर्षीय पुरुष, 29 वर्षीय पुरुष, 43 वर्षीय महिला, ये तीनों सागर कैंट से, 27 वर्षीय पुरुष नरेटा गांव से, 18 वर्षीय महिला सुभाष वार्ड गढ़ाकोटा, 45 वर्षीय पुरुष गुरु गोविंद सिंह वार्ड, 42 वर्षीय महिला एवं 20 वर्षीय युक्ति बागराज वार्ड सागर, 38 वर्षीय पुरुष इतवाली टोली सागर, 58 वर्षीय पुरुष संत रविदास वार्ड, 46 वर्षीय पुरुष सूबेदार वार्ड, 24 वर्षीय पुरुष बड़ा बाजार, 24 वर्षीय पुरुष नेहानगर मकरोनिया, 40 वर्षीय पुरुष सदर बाजार सागर, 42 वर्षीय पुरुष मकरोनिया चौराहा, 70 वर्षीय पुरुष बंडा विलई एवं 16 वर्षीय युक्ति बंडा विलई, 46 वर्षीय महिला मोतीनगर, 27 वर्षीय महिला गोपालगंज, 57 वर्षीय पुरुष नेहानगर मकरोनिया, 69 वर्षीय पुरुष मकरोनिया एवं आखिर में 60 वर्षीय महिला नमक मंडी। तो आज का यही अपडेट है, सावधानी बनाए रखें, जल्दी से जल्दी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जल्दी से जल्दी आप दिखाएं ताकि कोई भी अनहोनी से बचा जा सके, यही आपसे अपील है। नमस्कार।